आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में पढ़ते क्या है, जैसे स्टोकियोमेट्री में क्या होता था कि रिएक्टेंट जो है दिया रहता था और उससे हम प्रोडक्ट को बनाते थे, तो वहाँ पे अगर कुछ नहीं मेंशन किया है तो रिएक्टेंट को हम 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते थे। ये चैप्टर क्या बताता है कि ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। रियलिटी में मैक्सिमम जो रिएक्शन होता है, सारा नहीं लेकिन मैक्सिमम जो होता है, वो आगे प्रोसीड करता है करता है करता है और एक जगह पे जाके रुक जाता है। रिएक्टेंट जो है पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। रिएक्टेंट का कुछ हिस्सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, किसी कंटेनर में, मान लो कोई क्लोज कंटेनर है, उसमें तुमने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, CaCO3 को, और CaCO3 जो है वो गर्म होकर टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हम पाते ये हैं कि कुछ देर के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ हिस्सा प्रोडक्ट में चला गया और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपस में एक इक्विलिब्रियम का कंडीशन मेंटेन कर लेता है। इक्विलिब्रियम का कंडीशन मेंटेन करने का मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट हमारा पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, रिएक्शन जो है वो 100% कंप्लीट नहीं होता है, बीच में जाकर रुक जाता है। कहाँ पे जाकर रुकता है, क्यों वहां पे रुकता है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं थर्मोडाइनेमिक्स चैप्टर में। थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी, जहां पे बढ़ना चाहे घटना बंद हो जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज है जब वो जीरो हो जाता है, डेल्टा जब जीरो हो जाता है, वहां पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन आता है। लेकिन ये सब थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम पे क्या क्या होता है, इक्विलिब्रियम कैसे आया है ना, इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, इससे में मतलब नहीं है। जब इक्विलिब्रियम एक बार आ गया तो उस समय रिएक्टेंट का मात्रा कितना होगा, प्रोडक्ट का मात्रा कितना होगा, सोल्यूशन का डेंसिटी कितना होगा, कौन सा रिएक्शन कितना परसेंट आगे बढ़ेगा, तब जाकर इक्विलिब्रियम का कंडीशन वो अचीव कर लेगा, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग देना केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखो एक चीज बताते हैं तुमको पहले। मान लो क्लासरूम में बच्चा बैठा हुआ है और क्लासरूम में दो दरवाजा है और दोनों दरवाजा बंद है। क्लासरूम में बच्चों की संख्या कितनी है, मान लो 100 है। तो अगर 1 घंटे के बाद तुमसे पूछे कितना बच्चा है क्लास में और दोनों का दोनों गेट बंद है, तो तुम बोलोगे 100 का 100 ही है। तो वैसे इसको इक्विलिब्रियम बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो हम इसे बोल दिए कि बच्चों का संख्या इक्विलिब्रियम में है। बच्चा इक्विलिब्रियम में नहीं है, बच्चों का जो नंबर है वो इक्विलिब्रियम में है। अब देखो हुआ क्या, मान लो दोनों दरवाजा खुल गया, ठीक है, और हर सेकेंड पहले दरवाजे से 5 बच्चा अंदर आता है और दूसरे दरवाजे से 5 बच्चा बाहर जाता है। हर सेकेंड 5 अंदर आता है, 5 बाहर जाता है। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि अब बताओ 1 घंटे के बाद बच्चों की संख्या कितनी होगी, तो तुम बोलोगे अभी भी 100 ही होगा, क्योंकि जितना आया है उतना गया है। तो पहले वाले केस में ही बच्चों की संख्या इक्विलिब्रियम पे, 1 घंटा हो गया लेकिन बच्चों का संख्या 100 ही था। दूसरे वाले केस में ही बच्चों की संख्या इक्विलिब्रियम पे है, 100 का 100 ही है। तो दोनों का दोनों इक्विलिब्रियम में है, लेकिन दोनों में से एक को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या तुम बता सकते हो इसमें से कौन सा स्टैटिक है, कौन सा डायनेमिक है? तो तुम्हारा आंसर होगा कि वह केस जिसमें दरवाजा बंद है दोनों का दोनों, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वहां पर कुछ हो ही नहीं रहा है ना। बुक तुम्हारा टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है, पेन जो है वो टेबल पर रखा हुआ है, तो ये भी इक्विलिब्रियम है, इसका पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, वहां पे घटनाएं घट रही हैं, रिएक्शन हो रहा है, इसके बावजूद हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है। जैसे क्लासरूम में बच्चा आ रहा है बच्चा जा रहा है, फिर भी बच्चों की संख्या इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि जितना बच्चा आ रहा है उतने समय में उतना ही बच्चा चला जा रहा है, उसे हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेना कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या है इसका एग्जांपल, बुक एट द टेबल, किताब रखा हुआ है टेबल पे, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल क्या होता है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में 2 तरह का इक्विलिब्रियम होता है। एक तो होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिएक्शन होना चाहिए। जैसे PCl5 गैस जो है, ये देखो ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है ना, ये कन्वर्ट हो गया PCl3 गैस में और Cl2 गैस में। तो अगर इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इस साइन का क्या मतलब होता है, इस साइन का मतलब है कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, PCl5 टूट के PCl3 और Cl2 बना रहा है, और PCl3 और Cl2 आपस में कंबाइन होकर PCl5 भी बना सकता है, इनफैक्ट बना रहा है।
और जिस समय फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का रेट और बैकवर्ड में जाने का रेट आपस में इक्वल हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम का कंडीशन, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, बस कंपाउंड का जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सेम कंपाउंड, है ना। चाहे चीनी को तुम पानी में डिसॉल्व कर दिए तो वहां भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है ना। तो वैसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मान लो H2O सॉलिड जो है वो जा रहा है H2O लिक्विड में, तो तुमको पता भी है आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, आइस हमारा वाटर में कन्वर्ट होता है। तो तुम बोलोगे क्या सारे रिएक्शन में होता है ऐसा? तो ऐसा सारे रिएक्शन में नहीं होता है। जैसे मान लो तुम कागज अगर जलाते हो, तो कागज अगर जलाओगे, चाहे कोई भी तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड जलाओगे, तो CO2 और H2O मिलता है। जैसे मान लो तुम मीथेन जलाए, तो मीथेन को जलाओगे O2 में, तो तुमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। क्या CO2 और H2O आपस में कंबाइन होकर वापस से मीथेन और ऑक्सीजन बना सकता है? फिर से सुनना क्या बोल रहे हैं हम। तुम्हारे पास रिएक्टेंट क्या है? मीथेन और ऑक्सीजन, आपस में रिएक्शन करके बनाया कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। लेकिन तुम पाओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो आपस में कंबाइन होकर वापस से रिएक्टेंट नहीं बनाता, रिएक्शन उल्टा डायरेक्शन में यहाँ नहीं जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं ई रिवर्सिबल रिएक्शन, ये उल्टा नहीं जाता है। और जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाता है, जैसे ये रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकता है, प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट बना सकता है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये केवल केवल और केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इतना पहले नोट कर लो। फिजिकल इक्विलिब्रियम का कुछ एग्जांपल लिख लेना बच्चों, फिजिकल इक्विलिब्रियम। एक तो देख ही लिए H2O सॉलिड जो है, अगर H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है पहली बात। तो दूसरी बात, ये इक्विलिब्रियम पे कब होता है? क्या हर टाइम पे होता है ना, हर टेम्परेचर पे होता है? तो नहीं। अगर अभी राइट ना हो, कमरे में हम आइस का टुकड़ा रख दें, तो वो पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा। अगर 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे हम पानी को रखें, तो वो पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होने वाला है। लेकिन 0 डिग्री C पे वाटर भी एग्जिस्ट करेगा, आइस भी एग्जिस्ट करेगा, और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। कहने का मतलब, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे कब होता है? तो हर जगह नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट पे होता है। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए बेंजीन है लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट किसका? तो वाटर का। ऐसा नहीं कि बेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट वाटर का है। बेंजीन अगर कन्वर्ट हो रहा है अपने गैसियस फेज में, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम पे कब होगा? तो लिक्विड और गैस है, तो लिक्विड गैस आपस में इक्विलिब्रियम पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, उसी तरह से मान लो H2O गैस इक्विलिब्रियम में है H2O सॉलिड के साथ, तो ये भी एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है। ये कहां पे होता है? ये होता है सब्लिमेशन पॉइंट पे। ठीक है, हो सकता है कि कार्बन का एक एलोट्रॉप जो है ग्रेफाइट, वो कार्बन के दूसरे एलोट्रॉप यानी डायमंड के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ये भी एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल होगा, क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रहा है, बस है ना, एलिमेंट हमारा सेम है, यूं कहो कि ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये कब इक्विलिब्रियम में होगा? तो इसके लिए कोई पॉइंट डिफाइंड नहीं है, बोला भी जाता है तो ट्रांजिशन पॉइंट तुम बोल सकते हो, है ना। जिस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम में होगा उसे ट्रांजिशन टेम्परेचर बोल देंगे। और क्या बोल सकते हैं हम लोग? सपोज करो सॉल्ट है कोई, है ना, सॉल्ट जो है वो सॉलिड फेज में है, और उसे आपने ऐड कर दिया वाटर में। तो वाटर में अगर ऐड करोगे तो सॉल्ट जो है वो किस में चला जाएगा? सोल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे इक्विलिब्रियम पे होता है, ये भी फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। ठीक है, नोट कर लिया सारा। अगला लिखो बच्चों, एक साइड में लिखो रिवर्सिबल रिएक्शन। बच्चों रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स में तुम पढ़ोगे रिवर्सिबल प्रोसेस, वो अलग चीज होता है, अभी हम बोल रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और दूसरे साइड में लिखो आप इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, क्या बताए थे अभी? रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में जाता है तो पता ही है, इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट कन्वर्ट्स इनटू रिएक्टेंट, है ना, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें इसका जस्ट उल्टा होगा, प्रोडक्ट
डज नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। इसी को ऐसे ही बोल सकते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाना, बैकवर्ड रिएक्शन होता है प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में आना। तो बैकवर्ड रिएक्शन इसमें पॉसिबल नहीं है और इसमें बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। अब क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का चांस बनता है। अब तुम बोलोगे कि अगर इक्विलिब्रियम का चांस बनता है तो क्या इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो ही जाएगा? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर तुम खुला बर्तन लोगे, ओपन कंटेनर खुला है, तो वहाँ इक्विलिब्रियम कभी स्टैब्लिश नहीं होता है। रीज़न, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और जो प्रोडक्ट बना है वो बर्तन अगर खुला है और प्रोडक्ट हमारा गैस है तो उसको एस्केप कर जाएगा, एस्केप करके एटमोसफियर में चला गया, और वो एस्केप करके एटमोसफियर में चला गया तो रिएक्टेंट फिर उसके साथ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा। कोशिश करेगा करने का लेकिन वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड, है ना। ये सारी बातें जो हम बता रहे हैं ये, और आगे पढ़ते जाओगे तो अच्छे से क्लियर होता जाएगा एग्जाम्पल के सहारे, जैसे जैसे हम लोग आगे इसका थियोरी पढ़ते जाएंगे। तो अभी जो हम बोल रहे हैं उसको इन्फॉर्मेशन की तरह लेना कि हाँ इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर में इसमें क्या होगा, इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ही नहीं होगा। डज नॉट गेस गेट एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। और बताओ रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया तो क्या कभी भी वो कंप्लीट हो पाएगा? वो कभी कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कैन नॉट बी कंप्लीटेड, ठीक है। ये होता है गेट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट, है ना। तुम ऐसा ही बोल सकते हो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन रियलिटी में ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है 99.99%, ऐसे 100% कभी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। एग्जांपल क्या होगा बच्चों, एग्जांपल रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या होगा? तो रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल जितना भी फेज चेंज रिएक्शन है वो हो जाएगा फेज चेंज रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसको आपने गर्म कर लिया तो ये डिकम्पोज कर गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। पढ़ोगे तुम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। और क्या होता है, अगर वीक एसिड और वीक बेस का रिएक्शन करा रहे हो तो एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। उसके लिए आगे एक और अपना चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम नाम का, नहीं पता तो फिलहाल बस लिख लो वीक एसिड प्लस वीक बेस रिएक्शन करके जो सॉल्ट बनाता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है। लेकिन वही अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, दोनों वीक हो कोई जरूरी नहीं है, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग रहा तो उस केस में भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। लिख देते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, मान लो सॉल्ट बनाया तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन स्ट्रॉन्ग अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है ना, कोई भी वीक ना हो, वीक कोई हो ही ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब सॉल्ट बनाएगा तो वैसे केस में हम उसे बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, वो उल्टा नहीं जाता है। HCl क्या होगा इसका एग्जांपल, HCl अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया तो NaCl और H2O बनेगा, इसमें कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं होता है, बैकवर्ड एक्शन में नहीं जाता है। देखो बस फॉरवर्ड एरो है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, उल्टा नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो हमने लगा दिया बैकवर्ड एरो भी, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है बैकवर्ड भी जा रहा है, ठीक है। और इसमें रिएक्शन लिख लो कंबसन ऑफ फ्यूल, है ना, किसी ईंधन को अगर तुम जलाते हो तो वो भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जो प्रोडक्ट बनता है उससे वापस ईंधन नहीं बन सकता है, ठीक है बच्चों, नोट कर लो। अगला हेडिंग देना बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन, और तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम वास्तव में यहीं से शुरू होता है, तो यहां से ध्यान से देखना इसको। तो इस लॉ के सहारे हम लोग इक्विलिब्रियम का कंडीशन निकालते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लिखते जाना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है,
तो तुम देखे कि हम लोग इस चैप्टर में रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ते हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शन में तो दो डायरेक्शन होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की अगर हम बात करें, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ना, किसी भी डायरेक्शन में, वो उस डायरेक्शन में जो रिएक्टेंट होता है, वो उस डायरेक्शन में जो रिएक्टेंट होता है उनके एक्टिव मास के, अभी एक्टिव मास क्या होता है तो फिलहाल नहीं पता, थोड़ी देर बाद में पता चलेगा। क्या बोले हम, किसी भी डायरेक्शन में रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट क्या होता है बच्चों, रिएक्शन के बढ़ने का दर। अगर हम बोलें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो तुम बोलोगे वेलोसिटी, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। उसी प्रकार से अगर हम बोलें रिएक्शन का रेट क्या है, रेट, तो रेट का मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट जो है वो कितना तेजी से प्रोडक्ट में जा रहा है, फास्टली जा रहा है या स्लोली जा रहा है, हम इसके बारे में बात करते हैं। क्लास में बच्चा आ भी रहा है और क्लास से बच्चा जा भी रहा है, तो क्लास में बच्चों के आने का रेट क्या है, अगर तुमसे हम पूछें तो तुम रेट किस यूनिट में बताओगे, तो तुम बोलोगे 5 बच्चा पर मिनट चाहे पर सेकेंड, है ना। तो रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पर यूनिट टाइम में, किसमें, पर यूनिट टाइम में। तो ये लॉ बोलता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एनी डायरेक्शन, है ना, पहली बार हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन टर्म के बारे में सुन रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। इससे पहले हमको इससे कोई मतलब नहीं था, स्टोकियोमेट्री में हमको इससे कोई मतलब नहीं था कि रिएक्शन फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है, 1 घंटे में हो रहा है कि 10 घंटे में हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट इस चैप्टर को भी उससे कोई मतलब नहीं है, उसके लिए एक और अलग चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन आएगा वो इसी से होके आएगा। तो पहले दिमाग में अच्छे से डालो कि रिएक्शन क्या होता है और उसका रेट क्या होता है। तो रिएक्शन तो बस एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाना, उसका रेट क्या होता है, तो उस रिएक्शन का फास्ट होना या स्लो होना, 1 सेकंड में 10 मोल प्रोडक्ट में गया या 12 मोल गया रिएक्टेंट का, इस तरह से हम रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लॉ बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एनी डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ, क्या बोले थे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मास, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ दैट डायरेक्शन। बोल रहा है किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो उस डायरेक्शन में जो भी रिएक्टेंट है उन रिएक्टेंट के एक्टिव मास के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहां तक अभी और है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेंज आएगा, लेकिन यहां तक तो समझ में आ गया कि उस डायरेक्शन में जो रिएक्टेंट है उन रिएक्टेंट के एक्टिव मास को मल्टीप्लाई करो, रिएक्टेंट को नहीं, उसके एक्टिव मास को। एक्टिव मास क्या होता है ये हमें जानना पड़ेगा, तभी हम रेट को लिख पाएंगे, ऐसे हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ दैट डायरेक्शन, आगे और है, रेज्ड बाय द पावर ऑफ देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अब ये क्या भसड़ है, ये क्या लिखा गया, खतरनाक सा कौन सा इंग्लिश है, रेज्ड बाय द पावर ऑफ देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है बोलने का, मान लो 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 को कितनी बार रेज किया गया, 3 बार, तो हम इसको बोलेंगे 2 हैज बीन रेज्ड बाय द पावर ऑफ 3। तो अगर एक्टिव मास को तुम रेज करते हो बाय द पावर ऑफ देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका मतलब ये हुआ किसी भी चीज को तुम जिसके पावर से रेज करते हो वो उसके पावर में चला जाता है। सिंपली ऐसे समझो कि इस पार्टिकुलर फ्रेज का ये मीनिंग होता है, उसी चीज को टेक्निकली इस तरह से लिखा जाता है। अगर तुमको बोला जाए कि 4 इज रेस्ड बाय द पावर ऑफ 7, इसका मतलब हुआ 4 का पावर 7, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है उसे हम लिख रहे हैं। पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं बच्चों, AA+BB रिवर्सिबल का साइन है ना, CC+DD ऊपर में जो एरो है वो बताता है कि ए और बी आपस में रिएक्शन करके सी और डी बना रहा है, नीचे का जो एरो है वो बताता है कि सी और डी आपस में रिएक्शन करके ए और बी बना रहा है, ठीक है। ऊपर का एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, नीचे का एरो बैकवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये लॉ क्या बोलता है कि
अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो यहाँ पे दो दो डायरेक्शन है, तो एक एक करके दोनों का लिखते हैं। पहले हम लिख रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो क्या बोला है, रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एनी डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल का साइन दे दो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए और बी कन्वर्ट हो रहा है सी और डी में, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी बैलेंस करने के बाद आया है, ऐसा मान के चलो। रिएक्शन हमारा ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी है, उसको बैलेंस किया तो स्मॉल ए बी सी दिया गया। यहां तक क्लियर है? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है, तो ए और बी है, तो हम लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी, है ना। स्मॉल ए, ए का मतलब हुआ एक्टिव मास ऑफ ए और ये हो गया एक्टिव मास ऑफ बी, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। लेकिन आगे और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रेस्ड बाई दी पावर ऑफ देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट। तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट ए का क्या है स्मॉल ए, बी का क्या है स्मॉल बी, तो पावर में डाल दो, ये हो गया स्मॉल ए और ये हो गया स्मॉल बी। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? तो अगर हम इक्वल टू का साइन लगाएं तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आएगा, लिख दो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को, के ए का पावर ए और ए बी का पावर बी हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से आगे लिखो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, चाहे बैकवर्ड रिएक्शन भी लिख सकते हो, रेट ऑफ डायरेक्शन नहीं लिखते, चलो रिएक्शन ही लिख देते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर है ना, यहाँ भी रिएक्शन ही लिख लो। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, चाहे बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, सी और डी आपस में रिएक्शन करके ए और बी बना रहा है, तो इस बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन हुआ सी और डी, और प्रोडक्ट कौन हुआ ए और बी, तो हम लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ सी का पावर कितना सी स्मॉल सी और एक्टिव मास ऑफ डी का पावर स्मॉल डी, है ना। और जब इक्वल टू यहाँ पे लगाओगे तो फिर से आ जाएगा ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि फॉरवर्ड का प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट और बैकवर्ड का दोनों सेम हो, तो हम करते क्या है कि फॉरवर्ड के प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को के एफ से रिप्रेजेंट कर दो और बैकवर्ड को के बी से रिप्रेजेंट करो। बुक में कंफ्यूज मत करना, कभी कभी बैकवर्ड को रिवर्स भी बोलता है ना, रिवर्स रिएक्शन, और वैसे कैसे इसको के आर लिख देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर बच्चों, के बी एक्टिव मास ऑफ सी का पावर सी एक्टिव मास ऑफ डी का पावर डी। ठीक है, इस लॉ के सहारे हमने यहां तक लिख लिया। अब देखो समझना, ध्यान से समझना आप जो बोलने जा रहे हैं। क्लासरूम में बच्चा था 100, इक्विलिब्रियम कब आया, जब दोनों गेट खुला था तो इक्विलिब्रियम कब आया, अगर क्लास में 6 बच्चा अंदर आता 1 सेकंड में और 3 बच्चा बाहर जाता, तो क्या बच्चों की संख्या इक्विलिब्रियम में होती, तो तुम बोलोगे नहीं होती, बच्चों का संख्या बढ़ रहा होता। अगर क्लासरूम में 4 बच्चा अंदर आता और 6 बच्चा जा रहा होता तो भी बच्चों की संख्या इक्विलिब्रियम में नहीं होती, बच्चों का संख्या इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब जितना बच्चा आए एग्जैक्ट उतना ही बच्चा बाहर जाए। उसी प्रकार से बच्चों ये रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में तभी होता है जब पर यूनिट टाइम में किसी भी एक रिएक्टेंट को ले लो, चाहे प्रोडक्ट को ले लो, चाहे किसी भी कंपाउंड को ले लो, जिसके तुमको जिसके रेस्पेक्ट में बात करना है उसके रेस्पेक्ट में तुम बात कर लो। पर यूनिट टाइम में ए हमारा मान लो ए, पर यूनिट टाइम में ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना कंज्यूम करेगा अगर बैकवर्ड में एग्जैक्टली उतना ही बनने लगेगा तो वैसे केस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम का कंडीशन। और जैसी वो कंडीशन आया, जैसी वो कंडीशन आया, समय तो बीतेगा लेकिन ए का मोल हमारा चेंज होने वाला नहीं है। क्यों ए का मोल चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना खत्म हो रहा है उतना ही वापस से बन जा रहा है। तो देखो होता क्या है, शुरू में हमारे पास केवल रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट हमारे पास नहीं था, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन तो हो रहा था अच्छे खासे रेट से लेकिन बैकवर्ड नहीं हो रहा था उतना। फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट हमारे पास बन गया तो बैकवर्ड भी थोड़ा थोड़ा होने लगा, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। रिएक्टेंट जैसे जैसे खत्म होता गया प्रोडक्ट बनता गया बढ़ता चला गया, तो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट भी बढ़ने लगा, बैकवर्ड डायरेक्शन ज्यादा तेजी से होने लगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट कमता जा रहा है ना। और हमारा जो रेट है वो एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल है, एक्टिव मास को अभी तुम मोल मान के चलो, बाद में हम रिलेट करेंगे, अभी मान के चलो मोल, तो रेट किसके प्रोपोर्शनल है, मोल के प्रोपोर्शनल है। तो जब शुरू में केवल ए और बी का मोल था तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बहुत ज्यादा था लेकिन बैकवर्ड का रेट नेग्लिजिबल था, या था ही नहीं, सी और डी नहीं था तो रेट भी नहीं था, लेकिन सी और डी थोड़ा सा बना, उसका मोल थोड़ा सा आया तो थोड़ा सा बैकवर्ड भी होने लगा। अब जैसे जैसे समय बीतेगा ए और बी खत्म होता जाएगा, सी और डी बनता जाएगा, यानी फॉरवर्ड का रेट घटता जाएगा,
बैकवर्ड का रेट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो जिस समय दोनों रेट आपस में इक्वल हो जाएगा उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम का कंडीशन। कहने का मतलब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे आप लिख सकते हो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और यहीं से हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकल कर सामने आता है। तो एक बात बताओ, जिस समय ये दोनों रेट इक्वल हो गया उस समय ए और बी जिस जिस अमाउंट से खत्म होगा उसी अमाउंट से बनता जाएगा, यानी उस समय के बाद इक्विलिब्रियम के आने के बाद 1 घंटा बीते, 2 घंटा बीते, 10 घंटा बीते, ए और बी का जो मोल है वो टस से मस होने वाला नहीं है, वो जस का तस रहेगा। इक्विलिब्रियम आने से पहले ए और बी धीरे धीरे घट रहा है, शुरू में ए और बी लिए थे, प्रोडक्ट बना रहा है, वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। सी और डी क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही इक्विलिब्रियम आया अब इनका अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा, ना बढ़ने वाला है ना घटने वाला है, कांस्टेंट हो जाएगा। कब तक? जब तक कि तुम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हो। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे किया जाता है? बाहर से प्रेशर चेंज कर दो, वॉल्यूम चेंज कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, है ना, बाहर से कुछ कंपाउंड उसमें ऐड कर दो, प्रोडक्ट चाहे रिएक्टेंट ऐड कर दो, ऐसा करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब तुम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम जो है वो अटेंड रहेगा, इस्टेब्लिश रहेगा। और जब तक वो इस्टेब्लिश रहेगा, ए बी सी डी का जो भी मात्रा है ना, आपस में इक्वल नहीं होगा लेकिन कॉन्स्टेंट जरूर होगा। इक्वल क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये कोई जरूरी नहीं है कि दो दो मोल, दो दो मोल, दो दो मोल सब होगा। हो सकता है 2 मोल हो, ये 3 मोल हो, इक्विलिब्रियम पे ये 15 मोल हो, है ना, ये 1 मोल हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो समय तो बीतेगा लेकिन इनका मोल चेंज नहीं होगा, जितना है उतना ही हमेशा रहेगा, ठीक है। तो अभी हमको इसमें और आगे बढ़ना है इसी चीज, अभी तुम लोग इसको नोटिस करो, हम आगे अपना थियरी कैरी करेंगे इसके आगे से, नोट करो। तो क्या लिखे थे बच्चों? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या आया था? के एफ, एक्टिव मास ऑफ ए का पावर स्मॉल ए, एक्टिव मास ऑफ बी का पावर स्मॉल बी इज इक्वल टू, बैकवर्ड का क्या रेट है? के बी, एक्टिव मास ऑफ सी का पावर स्मॉल सी, डी का पावर स्मॉल डी। यहां से अगर के एफ बाई के बी कर लो तो ये बन जाएगा ए सी का पावर सी, ए डी का पावर डी अपॉन ए ए का पावर ए और ए बी का पावर बी। अब देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इस रेशियो को हम एक नया कांस्टेंट मान सकते हैं, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम बराबर क्या आ गया? एक्टिव मास ऑफ सी का पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी का पावर डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए का पावर ए और एक्टिव मास ऑफ बी का पावर बी। जहां पे ये एक्टिव मास कब का है, अगर तुमसे कोई पूछे कि ये कब का, कभी भी जो लिए थे शुरू में वो अलग, तो ना, ये तब का एक्टिव मास है जिस समय दोनों रेट आपस में बराबर हो गया है, चाहे इक्विलिब्रियम के कंडीशन का ये एक्टिव मास होगा, है ना। रिएक्टेंट चेंज होकर प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है, ऐसा होते 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 एक समय ऐसा आएगा जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और इक्विलिब्रियम पे जो भी एक्टिव मास होगा वो एक्टिव मास यहाँ पे लिखा जाता है के इक्विलिब्रियम के बराबर, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है? तो के इक्विलिब्रियम बराबर के बटा के बी, ठीक है। जहां पे के एफ को क्या बोलते हैं बच्चों? के एफ जो है उसे कहा जाता है रेट कांस्टेंट बोला जाता है इसको, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में कांस्टेंट आया था। तो रेट कांस्टेंट किसका है? ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। दूसरा नाम इसका क्या है? रेट कांस्टेंट का दूसरा नाम वेलोसिटी कांस्टेंट भी होता है, और इसी को हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, है ना। ये अलग अलग जो नाम है इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इसको हमें पढ़ना है दूसरे चैप्टर में, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम में तुम्हें ये वाला टर्म पढ़ना है, पूरे चैप्टर में ये टर्म को पढ़ना है, और केमिकल काइनेटिक्स में हम इस टर्म को पढ़ते हैं, केवल के को पढ़ते हैं, है ना, किसी एक डायरेक्शन के रेट कॉन्स्टेंट को पढ़ते हैं। के बी क्या है बच्चों? के बी हो जाएगा रेट कॉन्स्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, रेट कॉन्स्टेंट चाहे वेलोसिटी कॉन्स्टेंट चाहे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो छोटा सवाल अगर आ जाए जो कि मेडिकल में बहुत आता है,
केएफ, केवी और के इक्विलिब्रियम, तीनों में से कोई दो देगा और तीसरा तुमसे पूछेगा, ठीक है? तो तुम निकाल लोगे, है ना? नोट कर लो इतना। हाँ एक्टिव अभी नोट कर लो, उसके बाद हम लोग एक्टिव मास के बारे में बात करते हैं। अगला हेडिंग बच्चों, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिव मास। तो सबसे पहले तो इसमें लिखो, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिव मास। अब ये क्या लिखा हमने, इसका क्या मतलब होता है? तो देखो, जैसे तुमसे पूछे प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, तो तुम बोलोगे प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। तो प्रेशर एक फिक्स चीज है, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्टिव मास का वैसा कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है कि उसका कोई फिक्स फॉर्मूला हो। एक्टिव मास होता क्या है, तो एक एग्जाम्पल से बताते हैं। मान लो तुम्हारे पास लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा है, तुम उसको अगर जलाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन किसका प्रोपोर्शनल था, रिएक्टेंट के एक्टिव मास के। तुम उसको जलाओगे तो ठीक है, जल रहा है वो, धीरे धीरे। लेकिन अगर तुम वैसा ही दूसरा लकड़ी का लट्ठा ले लो और उसका तुम कतरन तैयार कर लो, बढ़ई के यहाँ जाकर उसका कतरन तैयार कर लो, और उसका कतरन जो है उसमें तुम आग लगा दो, तो दोनों ही केस में हमारा जो लकड़ी है उसका अमाउंट तो सेम है, उसके बावजूद तुम पाओगे कि जलने का जो रेट है वो कतरन वाले में बहुत तेज होता है, तुरंत सारा का सारा जल कर खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो लकड़ी का लट्ठा है कहने को तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब तुम जला रहे हो तो उसके सरफेस में ही आग लग रहा है, केवल उसका जो सरफेस है वो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरे वाले केस में भी सरफेस ही पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तुम कतरन तैयार करके बहुत ज़्यादा सरफेस तैयार कर दिए हो, है ना? तो यहाँ पे एक्टिव मास को तुम अगर रिलेट करना चाहोगे तो यहाँ पे तुम किससे रिलेट करोगे, क्या तुम मास से रिलेट करोगे, क्या मोल से रिलेट करोगे, क्या सरफेस एरिया से रिलेट करोगे? तो सरफेस एरिया में भी क्या पूरा सरफेस एरिया या जो आग के कॉन्टैक्ट में सरफेस एरिया आ रहा है वो, तो अलग अलग कंडीशन में एक्टिव मास बहुत गंदे तरीके से चेंज होता है। यही कारण है कि हम लोगों को एक्टिव मास गैस का, सोल्यूशन का बस ऐसे ही पढ़ना है, प्योर सॉलिड चाहे प्योर लिक्विड का, ताकि हम लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे, है ना? जब हायर स्टडी करोगे तब तुमको बहुत ज़्यादा कुछ जानना होगा, लेकिन फिलहाल हमको इसको बहुत ज़्यादा टफ नहीं करना है, हम लोग को आसान वाला चीज़ पढ़ना है, ठीक है? तो देखो, फिजिकल सिग्निफिकेंस तो इसका है नहीं, लेकिन एक्टिव मास के जगह पे न्यूमेरिकली हमें कुछ ना कुछ तो पुट करना होगा। तो गैस के केस में जो गैस का पार्शियल प्रेशर होता है उसे हम एक्टिव मास से रिप्लेस करते हैं, याद कर लो अच्छे से। गैस के केस में एक्टिव मास को हम किससे रिप्लेस करते हैं, तो गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उससे, पार्शियल प्रेशर है उससे, क्या बोल रहे हैं हम, गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उससे प्राइमरीली। लेकिन हम गैस के कंसंट्रेशन से भी चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं। कंसंट्रेशन क्या, मोल बटा वॉल्यूम, यानी गैस का मोल डिवाइडेड बाई कॉन्टेनर का वॉल्यूम, यहाँ तक समझ गया? अगर मान लो किसी सोल्यूशन में कोई कंपाउंड है ना, तो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था तुमने, तो जब किसी सोल्यूशन में कोई कंपाउंड होता है तो उसके एक्टिव मास को हम उस कंपाउंड के मोलैरिटी चाहे कंसंट्रेशन से रिप्लेस करते हैं, याद हो गया? लिखवाएंगे अभी सब कुछ। और जब भी तुमको प्योर सॉलिड चाहे प्योर लिक्विड दिखे, है ना, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन मिक्सचर होता है, सोल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों होता है। लेकिन अगर कोई प्योर कंपाउंड दिखे, प्योर कंपाउंड का मतलब हो गया कि प्योर वाटर हो गया, चाहे प्योर C2H5OH हो गया, है ना, गैस नहीं, प्योर सॉलिड चाहे प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं। जब भी तुमको प्योर सॉलिड चाहे प्योर लिक्विड दिखे तो उसका एक्टिव मास हम लोग ऑलवेज 1 के बराबर लेते हैं। ऐसे वो कांस्टेंट होता है, अभी हम बताएंगे उसको 1 क्यों अज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है? तो पहले ये लाइन नोट कर ली होगी, इसमें एरो देकर लिखो, एक्टिव मास ऑफ आयंस और कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अगर किसी सोल्यूशन में आयंस चाहे कंपाउंड मौजूद है तो उसके एक्टिव मास को प्रेजेंट इन द सोल्यूशन आर रिप्लेस्ड बाय देयर कंसेंट्रेशन। और हमेशा याद रखना, जब भी हम कंसेंट्रेशन वर्ड बोलेंगे, यानी कि हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, जब भी हम कंसेंट्रेशन वर्ड बोलेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, मोलैरिटी की। तो मान लो अपना रिएक्शन कुछ ऐसे होता है, ए ए एक्वस, एक्वस का मतलब क्या, एक्वस सोल्यूशन यानी कि वाटर में है ये, इक्विलिब्रियम का साइन, फिर से एक्वस प्लस डी डी, और ये भी है एक्वस, ठीक है? तो ऐसे केस में जो हमारा के इक्विलिब्रियम है बराबर क्या आता है, एक्टिव मास ऑफ सी का पावर सी, बी का पावर डी, एक्टिव मास ऑफ ए का पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी का पावर बी। तो इसे हम क्या करते हैं बच्चों, क्या सिखाएं अभी हम, किससे रिप्लेस करो, कंसंट्रेशन से। तो एक्टिव मास ऑफ सी के कंसंट्रेशन को देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
हमेशा बड़ा ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। एक्टिव मास ऑफ डी का पावर स्मॉल डी, इस बड़ा ब्रैकेट का मतलब ही मोलैरिटी होता है, बड़ा ब्रैकेट सी का मतलब मोलैरिटी ऑफ सी, है ना। तो एक्टिव मास ऑफ सी के जगह पे हमने लिख दिया मोलैरिटी ऑफ सी। तो ये लिखने का प्रैक्टिस करना, बेवकूफी मत करना। ऊपर में प्रोडक्ट है, नीचे में रिएक्टेंट है, और पावर में उसका कोफिशियंट है बैलेंस करने के बाद, ठीक है। नीचे क्या आएगा, एक्टिव मास ऑफ ए का पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी का पावर बी। और ये एक्टिव मास किसका था, है ना, कब का था, तो तुम बोलोगे इक्विलिब्रियम का था। तो जो भी हमने कंसेंट्रेशन लिखा है, ये कंसेंट्रेशन भी कब का है, ना इनिशियल है ना फाइनल है ना ही किसी रैंडम टाइम का है, ये इक्विलिब्रियम का है, ठीक है। अब तुम नोटिस कर रहे हो यहाँ हम जगह छोड़े हैं, तो जब भी तुम एक्टिव मास को कंसेंट्रेशन से रिप्लेस करोगे, इसके इक्विलिब्रियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के सी से। के सी का मतलब होता है कंसेंट्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया, है ना, इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन। इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन, और इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इससे रिप्रेजेंट करा जाता है। कभी भी अगर ये मैथमेटिकली कैलकुलेट होकर के इक्विलिब्रियम जो कि कांस्टेंट होता है उसके बराबर आ गया, तो हम बोलेंगे कि हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। नोट करो यहाँ तक, चलो आगे लिखो बच्चों। एक्टिव मास ऑफ गैसेस आर रिप्लेस्ड बाय देयर पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर से मेनली, है ना, मुख्यतः हम पार्शियल प्रेशर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और लेकिन कंसंट्रेशन से भी रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। कुछ मेंशन नहीं किया है, पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस करना, और नहीं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट देखना। अगर यूनिट में एटीएम है चाहे पास्कल है तो प्रेशर के टर्म में लिखोगे, अगर मोलैरिटी है मोल पर लीटर है तो कंसंट्रेशन के टर्म में लिखोगे, ठीक है। एक्टिव मास ऑफ गैसेज आर रिप्लेस्ड बाई देयर प्रेशर और कंसेंट्रेशन। मान लीजिए फिर से ए ए गैसियस प्लस बी बी गैसियस है इज इक्वल टू सी सी गैसियस प्लस डी डी गैसियस है सपोज करो, तो वैसे केस में के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं केपी। जब प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो उसे हम बोलते हैं केपी, जब कंसंट्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो उसे बोलते हैं केसी। और एक्टिव मास को किससे रिप्लेस करना है, पार्शियल प्रेशर से। तो हम क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कब का, इक्विलिब्रियम का पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्विलिब्रियम का पावर स्मॉल डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्विलिब्रियम का स्मॉल ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्विलिब्रियम का स्मॉल बी, इस तरह से। लेकिन हम क्या सीखा कि ऐसे रिएक्शन के केस में तुम चाहो तो केसी को भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि कंसंट्रेशन के टर्म में भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो केसी बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी, डी का पावर डी, ए का पावर ए और बी का पावर बी। आगे हम लोग बार बार यहाँ इक्विलिब्रियम वर्ड को मेंशन नहीं करेंगे, ये अंडरस्टूड होगा कि जो भी डेटा लिया गया है वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन का लिया गया है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर कुछ अगर एक्वस हो गया कुछ गैसियस हो गया तो क्या करेंगे, तो वैसे कि इसमें एक और टर्म डिफाइन होता है के पी सी नाम का। के पी सी क्या होता है, के और यहाँ पी सी, गैस को पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखो और जो हमारा सोल्यूशन में है एक्वस में है उसे कंसनट्रेशन के टर्म में लिखो, तो वो आएगा बाद में, फिलहाल इसको नोट करो। चलो आगे लिखो बच्चों। एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, है ना, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास आर कंसिडर्ड एज कॉन्स्टेंट एंड दे आर रिप्लेस्ड बाई यूनिटी। तुम बोलोगे कॉन्स्टेंट है तो यूनिटी से चाहे वन से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, तो देखो ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए ये रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, उसको आपने गर्म किया तो वो टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है, और तुम यहाँ पे के पी लिखना चाह रहे हो, तो के पी बराबर क्या आएगा, पहले तो के इक्विलिब्रियम ही लिखते हैं, चलो के इक्विलिब्रियम बराबर, तो एक्टिव मास ऑफ सी ए
एक्टिव मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ CaCO3। अब देखो बच्चों, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि प्योर सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, गैस की बात नहीं कर रहे हैं। प्योर रहना चाहिए, लिक्विड भी प्योर रहना चाहिए, सॉलिड भी प्योर रहना चाहिए, उसमें मिक्सिंग नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो जब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और साथ साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हुआ, ये भी कांस्टेंट हुआ, तो अगर इन दोनों को तुम लेफ्ट साइड में लाओगे तो इस कांस्टेंट के साथ मर्ज होकर एक नया कांस्टेंट दे देगा। हम उसी कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं, नया वाला। तो ऐसा प्रतीत होगा कि जब नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का तुम एक्सप्रेशन लिखोगे, तो ये दोनों जब लेफ्ट साइड में आ गया तो ऐसा प्रतीत होगा कि इनके जगह पे 1 लिखा हुआ है ना। कहने का मतलब कि हम इस एक्टिव मास को यूनिटी से रिप्लेस करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो उतना हमें डिटेल में नहीं जाना, रट जाओ अच्छे से कि हमारे लेवल पे, हमारे सिलेबस में जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम की बात होगी, प्योर सॉलिड चाहे प्योर लिक्विड का एक्टिव मास हम कितना लेंगे, तो 1 लेंगे। तो रिप्लेस कर दो, के इक्विलिब्रियम की जगह पे KP लिख रहे हैं, ये भी 1 और KP है तो CO2 गैस है, तो क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। लेकिन तुम चाहो तो इस केस में KC भी लिख सकते हो, तो KC लिखोगे फिर से ये 1 हो गया, लेकिन KC के केस में CO2 का आप ले लोगे कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 गैस गैस का, तो इक्विलिब्रियम का। ठीक है, और देख लो, MgSO4.7H2O सॉलिड, ये सिंगल कंपाउंड है, इसे आपने गर्म किया, ये कन्वर्ट हो गया MgSO4 सॉलिड प्लस 7H2O गैस गैस में। यहाँ अगर आप KP लिखोगे तो सॉलिड तो आएगा नहीं, प्रोडक्ट में बस एक H2O गैस है, वेपर फेज में है, तो हम लिखेंगे प्रेशर ऑफ H2O का पावर 7। ठीक है, कोफिशेंट 7 जो है। अगर KC लिखोगे तो कंसेंट्रेशन ऑफ H2O गैसियस का पावर 7। ठीक है बच्चों, नोट कर लो पूरा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक है ना, अच्छे से कॉपी पढ़ लेना, बिल्कुल बेसिक है, थियोरेटिकल है, दिमाग में रखना, बाकी बातें अगले क्लास में।